तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं दुआ करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हमारे पास है सीडी डिलक्स बाइक। इसमें क्या थी दोस्तों, करंट की प्रॉब्लम आ रही थी। करंट चेक करने के लिए दोस्तों जो हमने इसका स्पार्क प्लग था वो भी खोल लिया, ताकि हम जब किक मारे तो आसानी हो और अपनी बाइक का करंट चेक करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो पैर से किक मारते हैं और यहाँ पे करंट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे करंट बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो बाइक में यही परेशानी है। इसमें स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। स्टार्ट ही कहाँ से होगी जब करंट ही नहीं आ रही है, तो बाइक में स्टार्ट कहाँ से होगी। तो इस बाइक में जो प्रॉब्लम थी, जब अपनी बाइक का हम हैंडल सीधा रखते थे, जब हमारी बाइक स्टार्ट हो जाती या लेफ्ट या राइट जैसे ही अपना बाइक का हैंडल घुमाते थे, तो हमारी जो बाइक थी सीडी डिलक्स ये बंद हो जाती थी। तो इसमें दोस्तों प्रॉब्लम जो है इसके, यहाँ से मैं आपको ये दिखा दूँ, गले में से है इसके जो यहाँ से वायर जाती है अपने टैंकी के नीचे से निकल के हैंडल वायर में जो जाती है वायर, ये वायर काफ़ी सारी इसकी कट गई हैं। इसकी वजह से जो बैटरी वाला करंट होता है 12 वोल्ट, वो हमारे इग्निशन स्विच तक नहीं जा रही है और इसकी वजह से अपनी बाइक में करंट नहीं आ रही है। तो क्या है, इसका जो बॉडी पार्ट है टंकी साइड पैनल सीट, वो सब कुछ निकाल लेते हैं, उसके बाद में इसकी वायर कनेक्ट करते हैं और बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसका टंकी वंकी सभी खोल लेते हैं और आपको दिखाते हैं। अपनी डिलक्स का बॉडी पार्ट था ये सारा हमने खोल लिया है, उसकी वायर ये बिल्कुल सामने आ गई है। कुछ इस तरह का एक कपलर होता है, इसको निकाल लेते हैं और अपनी वायर को बाहर कर लेते हैं। वायर चेक करने के लिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ी हमें सेविंग ब्लेड की जरूरत पड़ेगी, तो इसको थोड़ा काट लेते हैं कुछ इस तरह से। तो दोस्तों इसका इंसुलेशन छुटाने के बाद चेक करा गया, तो ये दो वायर कट हुई निकली है। एक जो है अपनी बैटरी से आती है जो पॉजिटिव अपने इग्निशन स्विच तक आती है, ये वायर भी कट हुई है, और दूसरी वायर ये कट हुई है दोस्तों। तो इन दोनों वायर को हम कनेक्ट करेंगे, तो एक वायर ले लेते हैं और उसकी मदद से इन दोनों वायर को कनेक्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से दोस्तों प्लास की मदद से इस वायर को छील लेना प्लास की मदद से। उसके बाद में जो हम वायर जोड़ेंगे अपनी, इस वायर को भी छील करके और अपने कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देनी है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल अकबर बाइक डॉक्टर पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को आपको ऑल पे सेट कर देना है, ताकि हम न्यू वीडियो जब भी डालें सबसे पहले आपके पास आ जाए और आप उस वीडियो को देख करके अपनी बाइक से जो जुड़ी परेशानी है उससे छुटकारा पाएं। तो दोस्तों जो हमारी एक वायर थी है, इस तरह से हमने वायर से कनेक्ट कर दिए। उसके बाद में जो दूसरी वायर रह गई है हमारी, उसको भी हम अपनी प्लास की मदद से छील के कुछ इस तरह से इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद में दोस्तों बिना पेट्रोल टैंक लगाए बिना सीट लगाए इसकी करंट चेक करेंगे कि अपनी बाइक में जो प्रॉब्लम थी करंट की, इन वायर की वजह से थी या कुछ और प्रॉब्लम है। तो पहले इस वायर को भी हम जोड़ लेते हैं अपनी प्लास की मदद से, छीलने के बाद कुछ इस तरह से इनको कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। इस पर टैप बाद में करेंगे, पहले इसका जो है करंट चेक करते हैं। तो सबसे पहले अपनी बाइक का इग्निशन ऑन कर लेते हैं और इसमें किक मार के देखेंगे अपनी बाइक में करंट आ रहा है या नहीं। तो बाइक में किक मारते हैं और करंट देखते हैं दोस्तों। तो आप ये देख पा रहे होंगे दोस्तों जो अपनी बाइक में ये करंट आ गया है, मैं थोड़ा करीब से आपको दिखा दूं कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों जो करंट है बिल्कुल प्रॉपर आ गया है। यानी कि जो हमारी बाइक की प्रॉब्लम थी वो जो दो वायर कटने की वजह से अपनी बाइक में करंट नहीं आ रहा था। तो बाइक का प्लग भी लगा लेते हैं, वो बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं। तो बाइक का स्पार्क प्लग कुछ इस तरह से लगा लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों आप जब भी अपनी बाइक का प्लग टाइट करें, प्लग पाने का ही यूज करें, ना के पाने का कोई। उससे क्या होता है दोस्तों, जो अपना प्लग होता है वो ज़्यादा टाइट हो जाता है लिमिट से और प्लग खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप प्लग पाने का ही यूज करें प्लग टाइट करते समय। तो जल्दी से अपना प्लग टाइट कर लेते हैं, उसके बाद में बाइक स्टार्ट करेंगे और आपको इसकी जो प्रॉब्लम थी वो दिखाएंगे। तो दोस्तों अपनी बाइक का जो स्पार्क प्लग था वो टाइट हो गया है और अपनी ये बाइक को स्टार्ट करते हैं। हाथ की मदद से प्लग की लीड पकड़ लेते हैं, थोड़ा तेज से मारो किक। देख पा रहे होंगे दोस्तों, सुन पा रहे होंगे आवाज, जो हमारी बाइक थी सीडी डिलक्स वो स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना है, और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।